नमस्कार जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी, मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज आपके साथ मौजूद। और अब आपको खबरें बताते हैं विस्तार से कि कैसे गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी ने एक नया नारा दे दिया, ये गुजरात मैंने बनाया है। तो कल पीएम मोदी ने इस नारे की पहली बार इस्तेमाल किया और आज बीजेपी इस कैंपेन को लॉन्च कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात मैं बनाऊ थे, जी हाँ यही वो नारा है जिसे बीजेपी ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अपना थीम स्लोगन बनाया है, ये गुजरात मैंने बनाया है। इस नाम के नारे का कल पीएम नरेंद्र मोदी ने वलसाड़ की रैली में इस्तेमाल किया था। रोड शो के बाद हुई रैली में पीएम मोदी ने गुजराती भाषा में इस स्लोगन का जिक्र किया। प्रत्येक गुजराती बोले थे, अंतर्मन नो आवाज बोले थे, प्रत्येक गुजरात ना हैया माथी नाद निकले थे। आ गुजरात मैं बनाव्यू छे, तमे बधा हाथ आम करीने बोलजो मैं बनाव्यू छे। आ गुजरात पीएम मोदी ने अपनी रैली में ये गुजरात मैंने बनाया है नारे को तो लॉन्च कर दिया, लेकिन आज बीजेपी इस स्लोगन को आधिकारिक रूप से कैंपेन की तरह लॉन्च करने वाली है। इस नारे के जरिए बीजेपी गुजरात गर्व को भुनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आ गुजरात। गुजरात के बाद बीजेपी ने अब हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाव चल दिया है। कांग्रेस ने इसे चुनावी फायदे के लिए बीजेपी का हथकंडा करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता का बड़ा दाव चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल शिमला में हिमाचल प्रदेश के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही। तो कांग्रेस ने पूछा कि 5 साल जब सत्ता में रहे तब क्यों नहीं लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई। हम बिल्कुल समर्थन करेंगे अगर एक सहमति और कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन आप इस प्रकार के धूल झोंकने वाले, बरगलाने वाले, मूर्ख बनाने वाले वक्तव्यों को इसका समर्थन चाहते हैं तो मैं समझता हूँ हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसको एक्सपोज करें। अमित शाह ने भी हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही तो ओवैसी भड़क उठे। जयराम ठाकुर की सरकार रहा दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन कर दिया और अब हिमाचल में समान आचार संहिता द्वारा दाव चलकर विपक्ष की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुजरात और हिमाचल में प्रचार हुआ तेज और यूपी के सीएम योगी हिमाचल में अब हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो पलटवार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और गुजरात में केजरीवाल ओवैसी के कार्यक्रम भी रखे गए हैं और साथ ही साथ किस तरीके का वार पलटवार का दौर इस दौरान देखने मिलेगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में प्रचार की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। दोनों ही राज्यों में तमाम दलों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हिमाचल में मैराथन प्रचार करने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जहां गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियां करने वाले हैं। आज ऊना, मंडी और सोलन में जनसभा कर योगी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। हिमाचल में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव प्रचार करेंगी। ऊना के अरोली में प्रियंका गांधी वाड्रा परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के 3 रोड शोज हैं। राजकोट, कलवाड़ और जयपुर में रोड शो कर केजरीवाल लोगों से वोट मांगेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज सूरत के लिम्बयात में जनसभा करेंगे। गुजरात के एक और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान है। दोनों ही राज्यों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार की गोपालगंज सीट पर आरजेडी की हार के लिए महागठबंधन ने ओवैसी पर ठीकरा फोड़ दिया, जिसके बाद AIMIM की बी टीम बताए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट।
गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार के लिए महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को जिम्मेदार ठहराया। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी को 70,053 वोट मिले, वही आरजेडी प्रत्याशी को 58,259 वोट हासिल हुए। जीत अंतर सिर्फ 1,794 वोट का रहा, जबकि एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 12,000 वोट मिले। आंकड़े बता रहे हैं कि एआईएमआईएम प्रत्याशी ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की, जिससे आरजेडी की हार हुई। लेकिन आप देखिए, वोट का जो बिखरा हुआ गोपालगंज का पहले बात कर ले, वहाँ पे क्या बिखरा हुआ, ओवैसी जो पार्टी ने खड़ा किया, और ओवैसी कौन खड़ा करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है। महागठबंधन ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया तो ओवैसी ने पलटवार कर दिया। हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, कांग्रेस और आप पार्टी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, और बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी मुल्क के खिलाफ है। कांग्रेस को अब गुजरात में ओवैसी की पार्टी की वजह से मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। और अब बात करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक नया अंदाज देखने को मिला है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि वो कुल्हड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और रास्ते में एक शख्स को मिट्टी के कुल्हड़ बनाते देखा तो राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए और चाक पर हाथ आजमाते हुए कुल्हड़ बनाने लगे। जरा ये देखिए तस्वीर कि किस तरीके से राहुल गांधी का एक अनोखा एक नया अंदाज देखने को मिला, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कैसे आम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो संबंध स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जमीनी स्तर पर वो देखिए कि कैसे कुम्हार के साथ में बैठ करके एक दिया बनाते हुए भी नजर आए। दिल्ली एनसीआर के लोग हवा में फैले प्रदूषण से जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली की हवा गुणवत्ता में कुछ सुधार आया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए ये लेटेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली की फिजा में फैले प्रदूषण के जहर से निपटने के लिए सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई, हालांकि ये उतनी कारगर तो नहीं, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले कुछ असर जरूर देखने को मिला है। जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल क्रॉस करते हुए 400 के पार जा रहा था, उसका ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है। पूर्वी हवाओं के रुख बदलने से पॉल्यूशन का मीटर भी कुछ डाउन हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 है। दिल्ली के किसी भी इलाके में हवा का स्तर 400 नहीं पहुँचा, हालांकि 300 के पार का लेवल भी खराब श्रेणी में ही आता है। दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यहाँ का AQI 332, गुरुग्राम में 325, फरीदाबाद का 320 और गाजियाबाद का 315 रहा। हवा में मामूली सुधार आने से केंद्र सरकार की एजेंसी CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा चरण वापस ले लिया है। दिल्ली में फिलहाल प्राइमरी स्कूल 8 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ग्रैप का चौथा चरण हटने के बाद अब स्कूल खोलने का फैसला लिया जा सकता है। आज दिल्ली सरकार की प्रदूषण पर अहम बैठक है। दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जाहिर है गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली और एनसीआर के जो हालात हैं, उसमें लोगों को सांस लेना भारी पड़ रहा है। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से इसे भी ठीक नहीं माना जाता। वहीं आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली की हवा का स्तर खराब श्रेणी यानी कि 300 के पार ही रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खनन लीज आवंटन मामले में घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। खनन लीज आवंटन मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जब झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी तो सूबे में सियासी भूचाल आ गया था। आनंद फानन में हेमंत सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर जनहित याचिका की वैधता पर सवाल उठा दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। आज का दिन हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए बेहद अहम है,
क्योंकि लीज आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों की अवैध कमाई को शेल कंपनियों में निवेश करने के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सियासी भविष्य पर सुप्रीम फैसला आना है। हालांकि फैसला आने से पहले झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टियां एकजुटता का संदेश देने में जुटी हैं और बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के रिहायशी इलाके में एक नया विवाद देखने को मिला और इसी विवाद के तहत में यहां गली में खुलेआम नमाज पढ़ी गई है और जिसके बाद से हिंदू संगठन ने मोर्चा संभाल लिया और पुलिस को शिकायत कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कभी ट्रेन में नमाज, कभी मॉल में नमाज, देश में इन दिनों लगातार ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़कर जानबूझकर विवाद खड़ा किया जाता है। ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आया है। यहाँ एक गली में 30 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और गली में ही नमाज पढ़ने लगे, जिसके बाद गली में आवाजाही काफी देर तक बंद हो गई। राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीपक विहार इलाके में नमाज पढ़ने की खबर मिलने के बाद हिंदू संगठन भी हरकत में आ गए। बाद में पुलिस को शिकायत दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में मस्जिद होने के बावजूद अक्सर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है और उससे ही 500 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, एक 500 गज में 4 मंजिला 5 मंजिला बड़ी मस्जिद है जिसमें कई आदमियों की संख्या इकट्ठे रह सकती है, पर वहां नमाज ना पढ़ के, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहां नमाज इसलिए पढ़ी जाती है, हिंदू बहुल क्षेत्र है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान करके कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर बैन है तो ऐसे में नमाज पढ़ने की जिद बार बार क्यों सामने आ रही है। ये जानबूझकर माहौल खराब करने की तरफ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न भूतो न भविष्यति, ये है काशी और काशी में आज गंगा घाट पर देव दीपावली मनाई जाएगी। वाराणसी पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली की तैयारियों का जायजा भी लिया। देखिए रिपोर्ट। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में छोटी दिवाली के मौके पर भव्य दीपोत्सव देख दुनिया दंग रह गई और अब बारी है काशी की देव दीपावली की, जिसकी भव्यता एक बार फिर दुनिया को अचंभित करने वाली है। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों की अद्भुत सजावट की गई है। देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए थे। यहां उन्होंने समीक्षा बैठक की, साथ ही नमो घाट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। देव दीपावली के मौके पर आज काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता देखने लायक होगी। तैयारियों की बात करें तो गंगा घाट पर शाम 5:15 पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, जबकि पूरे बनारस को 21 लाख दीपों से सजाया जाएगा। देव दीपावली के मौके पर सभी 84 घाटों की अद्भुत सजावट की गई है। घाट की दीवार पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए धर्म का व्याख्यान होगा, जबकि गंगा की गोद में लेजर और लाइट मल्टीमीडिया शो के जरिए भगवान शिव के भजन की प्रस्तुति भी होगी। 20 मिनट के शो श्रद्धालुओं के लिए कई बार दिखाया जाएगा। वहीं काशी विश्वनाथ धाम को 80 लाख रुपए के 50 टन फूलों से सजाया गया है। काशी में जब देव दीपावली दीपोत्सव मनाया जाएगा तो गंगा घाट पर लाखों लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में वाराणसी पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको राजस्थान के जालौर जिले की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच से हताश खिलाड़ियों ने जमकर के कोहराम मचाया, पिच पर कारें दौड़ाई, स्टंप तोड़ दिए, ट्रॉफी लूट ले गए और खिलाड़ियों पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की गई। क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों को कारों से कुचलने की कोशिश की गई। हारी हुई टीम के खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने ग्राउंड में जमकर के गुंडागर्दी की। तस्वीरें जालौर जिले के हैं और दरअसल सांचौर कस्बे के हरियाली गांव में हरियाली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन चल रहा था और चितलबान और साथ ही गुड़मालानी की टीमों के बीच में ये मैच था। इस मैच में चितलबान की टीम हार गई, जिसके बाद से ये तस्वीरें सामने आई कि कैसे उसी ग्राउंड पर पहले तो तेज रफ्तार में कारों को दौड़ाया गया और उसके बाद जो मौजूद खिलाड़ी थे उन पर भी इस कार को चढ़ाने की कोशिश की गई। यानी देखिए कि कैसे हार से बौखलाहट साफ तौर पर इस वीडियो में नजर आ रही है।
भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। यहाँ एक 4 साल की मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची घायल हो गई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में डॉगियों के हमले की कई तस्वीरें सामने आई। हैरत की बात ये रही कि ज्यादातर मामले पालतू कुत्तों के अटैक वाले थे, लेकिन दिल्ली एनसीआर ही नहीं दूसरे राज्यों में भी कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है, जहां एक आवारा डॉग ने 4 साल की मासूम पर हमला कर दिया। भोपाल के कोलार इलाके में बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी और तभी एक कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर उसके हाथ में काट लिया, जिससे बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन कहा जा रहा है कि एक पेट लवर ने विरोध कर दिया। उसने नगर निगम के कर्मचारियों को कुत्ते नहीं पकड़ने दिए। फिलहाल बच्ची के पिता ने कोलार थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल में कुत्ते के हमले का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले बांसखेड़ी, बाग सेवनिया और अशोका गार्डन में कुत्ते अटैक कर चुके हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वही राजस्थान के बाड़मेर में अखबार पढ़ते पढ़ते एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो बिहार के गोपालगंज में सड़क पर टहलते टहलते एक व्यक्ति की जान चली गई। देखिए इस रिपोर्ट में। अस्पताल में सोफे पर बैठकर के अखबार पढ़ते इस युवक को देखिए। अखबार पढ़ते पढ़ते इस युवक ने अचानक पेपर बगल में रख दिया और अगले 3 सेकंड में सोफे पर ही बाई तरफ बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके बाद सोफे से लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। वहां एक रिसेप्शनिस्ट मौजूद थी जो युवक के पास गई। उसने कुछ लोगों को बुलाया, पता चला कि युवक नहीं रहा, इसकी मौत हो चुकी है। बेहद हैरान करने वाला ये मामला राजस्थान के बाड़मेर का है, जहां ये युवक अस्पताल में डेंटिस्ट के पास इलाज के लिए आया था, लेकिन इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सड़क पर टहल रहे व्यक्ति की पलक झपकते ही मौत हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथ में थैला लिए ये शख्स रात में टहल रहा है। सामने से आ रहे एक युवक को थैला देकर वो आगे बढ़ता है, कुछ कदम चलता है कि उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। 50 साल के इस शख्स का नाम अलाउद्दीन था, जो कि दुबई में रहते थे और बेटी की शादी के लिए गोपालगंज आए थे, लेकिन यहां टहलने के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर अब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है, जहां जमकर हंगामा हुआ। पार्क की पैमाइश को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, पुलिसकर्मी डंडे बरसा रहे हैं। ये देखिए, एक महिला तो जमीन पर भी गिर गई, लेकिन फिर भी महिलाएं पुलिस से भिड़ती नजर आई। मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की हैं, जहां जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब तक किसी को कुछ समझ में आता, महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। भारी हंगामा देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी महिला प्रदर्शनकारियों को नहीं बख्शा और उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा। बताया जा रहा है कि वाजिदपुर इलाके में कुछ लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर कालीख पोत दी थी, जिसके बाद यहां हंगामा बढ़ गया। स्थानीय प्रशासन ने मामले को सुलझाने के लिए अम्बेडकर पार्क में 4 दीवारी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन बाउंड्री वॉल का काम शुरू होते ही महिलाओं ने बवाल कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल प्रयोग करने की नौबत आई। वही प्रदर्शनकारी पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगा रहे हैं। उधर हंगामे और तनाव को देखते हुए भारी संख्या में इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी के बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने सराफा दुकान में लूटपाट की और फायरिंग करके दुकान के मालिक को घायल कर दिया और गन पॉइंट पर लूटपाट मचाई। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात देखें इस रिपोर्ट में।
इन तस्वीरों को देखिए, सर्राफा की दुकान में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले ही पल यहाँ माहौल बदल गया। फिल्मी स्टाइल में दो बदमाश दुकान में दाखिल हुए और एक के बाद एक फायरिंग कर दी। दुकान में मौजूद लोगों को कुछ समझ में आता तब तक यहाँ लोगों को बंधक बना लिया गया। देखिए, बेखौफ बदमाश ने दुकान में घुसते ही दुकान के मालिक को गोली मार दी। जैसे ही दुकान का मालिक रुपए और गहनों से भरी अलमारी को बंद करने की कोशिश करता है, अगले ही पल बदमाश उसे दो गोलियां मार देता है। गोलियां लगने के बाद दुकानदार घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब दुकान में मौजूद दूसरा बदमाश आगे बढ़ता है और अलमारी में रखे रुपए और गहने बैग में भर लेता है, जबकि उसका दूसरा साथी गन पॉइंट पर लोगों को बंधक बनाए रखता है। लूटपाट में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। वीडियो में आपको बुर्का पहने एक महिला भी दिखाई दे रही होगी। बताया जा रहा है कि यही महिला दुकान में पहले दाखिल हुई और वहां लोगों को अपनी बातों में उलझा लिया। थोड़ी देर बाद बदमाश भी यहां पहुंच गए और लूटपाट कर फरार हो गए। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन लुटेरों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।